ये है आपका क्लास 10th 2024 का 824 ईके कोड का वायरल पेपर, और ये है इसका पूरा सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, सेम ऐसे ही आपको विज्ञान की कॉपी लिखना है, ऐसे ही डायग्राम बनाना है। आज के वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताएंगे, अगर इस तरीके से आप कॉपी लिखते हो तो आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके विज्ञान के पेपर में। सेम इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है, सारी चीजें डायग्राम वगैरह इसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको बोनस मार्क्स भी देकर जाएंगे, बोनस मार्क्स भी मिलता है, यानी कि अधिक मार्क्स भी आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से लिखना है, सारी चीजें आज के शुरू में बताएंगे, और इस पूरे वायरल पेपर का आज के शुरू में ये सोल्यूशन भी हो जाएगा। और इसका यदि आप पूरा सोल्यूशन कर लेते हो, इस पेपर का पूरा सोल्यूशन देख लेते हो, तो 29 फरवरी को जो आपका विज्ञान का पेपर है उसमें धुआं धुआं करके आओगे, धुआं धुआं करके आओगे, 100% बोल रहा हूँ। क्योंकि विज्ञान में जो होता है मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और जो कि इस वायरल पेपर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसको अच्छे से लगा देना, इससे ही 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो से आपको कॉपी लिखना भी अच्छे से मालूम हो जाएगा कि विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, ताकि 10 से 20 नंबर आपके बोनस मिले, यानी कि फ्री में मिले, मुफ्त में मिले। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छे से इसका सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो को एकदम इत्मीनान से देख कर बैठ जाना देखने के लिए, आधे घंटे वीडियो होगी, लेकिन इसमें सारी चीजें अच्छे से मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है ना, एकदम अच्छे से बताएंगे। चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहला आपका खंड आता है खंड अ, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि विज्ञान में जो होता है कॉन्सेप्ट ज्यादा मतलब प्रभावशाली होता है। तो आइए कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, वेयर इज पेंसिल। Hey God, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। कोई भी एक वस्तु है उसका आपको वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है, तो 6 स्थितियों में किस स्थिति पर रखेंगे कि उस वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर पर रखेंगे, या वक्रता केंद्र कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे, दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल पर रखेंगे, या फिर दर्पण के ध्रुव पोल मतलब कि पोल और फोकस बिंदु के बीच रखेंगे, तब तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब हम रखेंगे तो वस्तु का तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन ये बड़ा प्रतिबिंब यहीं पर रखने से प्राप्त होगा, ठीक है ना, यहीं पर रखोगे तब जाकर प्रतिबिंब जो होगा बड़ा प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझना सारी चीजें, बिल्कुल घबराना ही, अच्छे से आपको बताएंगे, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, देखिए लेंस की क्षमता P बराबर, ये देखिए फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F, जो कि होता है मीटर में, ये स्मॉल f है यहां पर मीटर में। तो इस P का जो होता है मात्रक आपको बताना है कि इसका मात्रक क्या होता है, इसके क्षमता का इकाई वही होता है यानी कि मात्रक जिसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन दिया है मीटर, दूसरा दिया है प्रति मीटर, तीसरा दिया है मीटर प्रति सेकंड, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो लेंस की क्षमता होती है इसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें तो कहीं डायोप्टर नहीं दिया है, तो इसमें यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं, यही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने तुक्का ट्रिक में बताया ही था कि जहां पर इनमें से कोई दिखे उसी को टिक कर देना, वही सही होता है। तो देखिए यहाँ पर सही निकल ही गया। और यहाँ पर अगला करे कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके 7 रंगों के अलग अलग विक्षेपण होते हैं, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। तो देखिए, जब भी श्वेत प्रकाश किरण जो होती है कांच या फिर प्रिज्म से गुजरती है तो जानते हैं कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, जिसको हम ये विव ग्योर बोलते हैं, विव ग्योर, ठीक है ना, तो विव ग्योर बोलते हैं। तो इनमें सबसे अधिक जो विचलन होता है आपका वैज्ञानिक मतलब बैगनी रंग का होता है, और सबसे जो कम विचलन होता है वो लाल रंग का होता है, इसीलिए लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देती है और बैगनी रंग बहुत कम दूर तक दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर डी
थ्योरी वाला हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें बताएंगे, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा, सारी चीजें अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि सूर्य श्वेत ताप प्रतीत होता है, श्वेत ताप मतलब कि बिल्कुल सफेद, सफेद बिल्कुल कब मतलब प्रतीत होता है, कब समय, सूर्योदय के काफी पूर्व या फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, या फिर दोपहर के समय, या फिर सूर्यास्त के काफी बाद। तो देखिए जो सूर्य होगा वो सूर्य जो होगा दोपहर के समय, दोपहर के समय अधिक श्वेत ताप प्राप्त होगा, क्योंकि दोपहर के समय जो सूर्य हमारे 90 डिग्री पर हो जाता है, यानी कि हमारे सर के ऊपर हो जाता है, जिसके कारण जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है और पूरा का पूरा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य हमें व्हाइट दिखाई देता है, यानी कि श्वेत ताप प्रतीत होता है। अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझे ना, चलिए अच्छे से इसी तरीके से समझाएंगे आपको सारी चीजें। यहाँ पर अगला ग्रह की किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये कहता है जितनी चालक की लंबाई होगी उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, चालक पदार्थ का घनत्व पर, यानी कि घनत्व जितना कम होगा, देखिएगा घनत्व जितना कम होगा उतना जो होगा प्रतिरोध क्या होगा कि अधिक होगा, यानी कि पतला तार में प्रतिरोध अधिक होता है, वहीं पर जो मोटा तार होता है उसमें प्रतिरोध कम होता है। तो देखते हैं कि बिजली का जो तार होता है इसीलिए मोटा लगाया जाता है कि उसका प्रतिरोध कम हो जाए, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है कि धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए मोटे तार लगाए जाते हैं ताकि मतलब कि कम बिजली खर्च हो। उसके बाद यहाँ पर करें चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पर चालक के आकार पर नहीं निर्भर करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से डी नंबर। चलिए अगला करें यहाँ पर क्या करा है, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर देखिए उप भाग दो आता है, इसमें आपका जो दिया जाता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको केमिस्ट्री बोलते हैं लेकिन इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। यहाँ पर करें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी के बारे में, तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो हाइड्रोजन मतलब कि अम्ल से, या फिर बोले तो वो हाइड्रोजन बाहर निकालती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, तो इसलिए ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसमें तांबा दिया है, सोना दिया है, पोटेशियम दिया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम जो होता है ये मतलब कि ऊपर आता है, इस कारण ये जो होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ना ही तांबा निकालता है, ना ही सोना निकालता है, पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। यहाँ पर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, देखिए एल्कीन यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, तो देखिए होता है क्या, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है ना, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप समझ ही गए कि एल्कीन वाला पूछ रहा है जिसमें डबल बॉन्ड होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इनमें खोजिए जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको टिक कर दीजिए, यहाँ पर आंख मूंद कर इसको करिए टिक, क्योंकि ये इसमें डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा, यानी कि संभव है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा उसका पीएच मान क्या होता है। देखिए अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल एक ट्रिक याद रखिएगा, अनिल अ से अम्ल, अनि से नीला, नीला को लाल कर देगा, ठीक है ना, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो ये समझिए कि यह अम्ल नहीं होगा, ये क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक और 14 से कम होता है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, क्लोरीन का अणु जो होता है जिसको हम Cl2 लिखते हैं, इसमें कौन सा अबंध पाया जाता है, इसमें आयनिक अबंध पाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से देखिएगा, काफी एकदम शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, और अभी जस्ट ये कॉपी पर भी बताएंगे सारी चीजें, डायग्राम वगैरह, क्वेश्चन आंसर कितने में लिखना है, सब चीज आपको अच्छे से बताएंगे, बस लास्ट तक वीडियो को देख लेना, इसी तरीके से आपके नंबर फिक्स होते चले जाएंगे। यहाँ पर अगला कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जल को जीवाणु रहित यानी कि जल में से जो खतरनाक बैक्टीरिया जीवाणु है उनको मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का, या फिर बेकिंग सोडे का, या फिर फिटकरी का, या फिर विरंजक चूर्ण का। तो जो प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, ये तो बेकिंग सोडा जो होता है खाना में प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है, फिटकरी नहीं प्रयोग किया जाता है, ये जो है विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है,
तो ये देखिए, इसमें जो होगा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा? क्योंकि इसमें आयनों का विनिमय होता है और इसके कारण नए यौगिक बनते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अच्छे से देखिए आपका क्या आता है, उपभाग तीन आता है, यानी कि सेशन थ्री, यानी कि सब सेशन थ्री आता है यहाँ पर। इसमें जो होंगे आपके किस से, बायोलॉजी से, बायो से प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सारे आसान प्रश्न इसमें दिए गए हैं, अच्छे से ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, पादप में जो है जाइलम का कार्य क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो देखिए पादप में जो जाइलम का कार्य होता है ये जल के वहन के लिए होता है, ज से जाइलम, ज से जल और ज से जड़, ये जड़ द्वारा होता है जाइलम का कार्य, जल का वहन करना, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि अनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया। अनुवंशिकता के बारे में जानते हैं, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, इसका जो प्रयोग किए थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसका नाम था, वो किस पौधे का उपयोग किए थे, तो वो जो किए थे आपके मटर के पौधे का। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। और हाँ, मटर के पौधे को यानी कि मटर को बायोलॉजिकल, मतलब कि इसका बायोलॉजिकल नाम होता है पाइसम सटाइवम, ये भी पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा, इसका ही प्रयोग किया जाता है, किया मेंडल ने किया था मटर के पौधे को, अच्छे से। चलिए यहाँ पर चलिए अगला कराया कि निखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा, शुक्रवाहिका, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कराया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आप बताइएगा। स्वपोषी पोषण यानी कि जो पौधे करते हैं, केवल ये पौधे ही स्वपोषी पोषण करते हैं, इसमें क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। जैसे मैंने बताया था कि टुक्का ट्रिक में भी, कि इनमें से सभी जहाँ है उसको टीका दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये भी सही है, क्योंकि जो होता है CO2 और H2O भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, और सूर्य का प्रकाश तो अत्यंत जरूरी होता है स्वपोषी पोषण के लिए, ठीक। तीन में से सभी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला करें कि समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी कि कुत्ते का अगला पैर, और हमारा हाथ यानी कि मनुष्य का हाथ, हमारे दांत तथा हाथी के दांत यानी कि हाथी के दांत और हमारे दांत का यहां पर बात किया जा रहा है। उसके बाद सी नंबर में कह रहा है कि आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तारी है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला कह रहा है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समजात अंग जो होते हैं कि एक जैसे कार्य करते हैं वही समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देखिए, कंसेप्ट के साथ सारी चीजें आपको बताएंगे। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा किसमें होता है, इष्ट में होता है, किसमें, इष्ट में, ठीक। अच्छे से देखिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने दिया, प्राकृतिक वर्णवाद का जो प्रतिपादन दिए थे वो डार्विन दिए थे, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। देखिए ये बताया क्या थे कि जो बताए थे कि लैमार्क बताए थे कि ये जो क्या था कि हाँ जो जिराफ होते थे उनके गर्दन मतलब कि ये बड़ी बड़ी होती थी, तो यही जो थे डार्विन इनका विरोध किए थे और जेनेटिक्स को लेकर यहाँ पर बताए थे कि ये बताए थे कि मतलब नीचे की घास वगैरह जो सूख गई थी इसके कारण जिराफ जो थे वो मतलब कि क्या कहते थे कि अपने ऊपर लफक कर जो पेड़ों की पत्तियाँ थी उनको मतलब कि खाने की चेष्टा करते थे जिनके कारण उनकी गर्दन बड़ी बड़ी होने लगी, लेकिन ये इनका विरोध किए थे और विरोध करके जेनेटिक्स के बारे में बताए थे, सारी चीजें बताए थे, इसलिए ये प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। लेकिन इनका कथन गलत सिद्ध हुआ अंत जाकर और इनका कथन सही सिद्ध हुआ, क्योंकि वो मतलब कि वो यहाँ पर प्राकृतिक वर्णवाद में मतलब वो जो कहे थे कि यहाँ पर पेड़ों की पत्तियां लपक कर यहाँ पर वो पत्तियां खाने लगे जिन कारण उनका जो गर्दन बड़ा होने लगा, लेकिन वो गलत बात था, ठीक है ना। ये जो प्रतिपादन किया अच्छे से, इस पर डिटेल वीडियो जस्ट बनाऊंगा, उसको देख लेना कैसे कैसे इन्होंने प्रूव किया था, अच्छे से बता दूंगा। चलिए यहाँ पर अगला करें खंड ब, खंड बम यानी कि पार्ट भी आता है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि यहाँ पर बोर्ड की कॉपी पर अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सारी चीजें आपको अच्छे से बताएंगे कैसे यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखिए ऐसे ही आपको 70 में 70 मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बोर्ड में छाप कराना, आपकी एक भी नंबर नहीं कटेंगे, 95 नंबर बिल्कुल आपका आएगा जो है विज्ञान में, ठीक है ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अच्छे से देखिए, सबसे पहला आपका
प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है फिजिक्स से दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। यानी कि एक मोटर बाइक में पीछे से कोई वाहन आ रही है तो उसमें उसको देखने के लिए 2 मीटर त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना कीजिए कि बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर और कहां दिखेगा। किरण आरेख भी बनाकर समझाइए। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि किरण आरेख कैसे बनाना है। आज के इस वीडियो में दावे के साथ बोल रहा हूँ 100% की आपको समझा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में चाहे ऐसा कोई सा भी प्रश्न आ जाए छाप कर चले आओगे, ठीक है ना। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये सारी चीज अच्छे से लिख देना, खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, उपभाग एक और प्रश्नोत्तर एक, ये सारी चीज अच्छे से लिखना, क्योंकि ये जो होता है ये मेन चीज होता है, इसको लिखना जरूरी है। एग्जामिनर इसी से जज करते हैं कि हाँ ये टॉपर की कॉपी है। तो अच्छे से लिख देना, उपभाग एक भी लिख देना जरूरी, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो अच्छे से तुम भी लिख देना, ठीक। चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर एक लिख दिए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2 मीटर। यही असली मतलब कि जो जेन्युइन तरीका है, मतलब कि इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपके बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही असली तरीका है, ठीक है ना। इसी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, इसी पैटर्न पर जो दिया जाता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखिए हमने वक्रता त्रिज्या दिया था तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर दिया था आपको वस्तु की दूरी 4 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिए वस्तु की दूरी यू बराबर माइनस में यहाँ पर लिखे, क्योंकि जानते हैं कि वस्तु जो होती है बाई साइड हमेशा रखी जाती है, और बाएं साइड में जो होता है कि चतुर्थांश के हिसाब से बाएं साइड की चीजें आपकी नेगेटिव में होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव में हो गया 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आर दिया है तो यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोकस डिस्टेंस यानी कि फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर होता है आर बाई टू, और आर बाई टू से यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी भी यदि अवतल रहता तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर उत्तल दिया है तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपकी पॉजिटिव है, ठीक। चलिए यहाँ पर आगे देखिए क्या करा है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, फोकस दूरी निकाल दिया, और हमारे पास U का मान दिया है, F का मान दिया है। अब हमको क्या निकालना है, V का मान निकालना है। तो V का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे, हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे, और दर्पण का सूत्र आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1/F यानी कि 1/ फोकस दूरी बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। तो इससे हम निकालेंगे 1/F का मान हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे, और V का मान निकालना है तो इसको वैसे ही रख देंगे, प्लस 1/U का मान माइनस का 4 है तो यहाँ पर ठीक वैसे ही माइनस का 4 लिख देंगे। देखिए इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, स्टेप आपको नहीं भूलना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 1/2 यानी कि 1/V को इस साइड बुलाएंगे तो माइनस का 1/V हो जाएगा, और यहाँ पर 1/ यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट सारी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर एक स्टेप ऐसे भी हो जाता, देखिए 1/1 = 1/V और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। अब समझ में आ जाएगा ना, अब समझ में आ जाएगा कि ये यही 1/V इधर ले जाया गया है तो 1 माइनस का 1/V हो गया है, और यहाँ पर माइनस का 1/4 पहले से ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और इस साइड वाला इधर ले जाएंगे तो ये भी 1/1 माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो देखिए अब माइनस का 1/V इक्वल टू यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ पर करेंगे 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो -1, और यहाँ पर 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/V माइनस में यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे वो ऐसे ही, और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 4, आपका कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और बट्टे में 4 है तो 4 लिख देंगे अच्छे से। उसके बाद वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 ये इधर चला जाएगा और यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका मीटर में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आया, देखिए यहाँ पर नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर माइनस का 5 में भी से करेंगे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा इक्वल टू, और 4 में यहाँ पर माइनस एक में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, भी बराबर कितना 4/5, यही यहाँ पर किया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आया। अब देखिए
जब भी आपको ये पॉजिटिव बने तो आप जानते हैं कि इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड पॉजिटिव होता है, दर्पण के इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। तो इस साइड बनेगा तो आपका पीछे बनेगा और इस साइड बनेगा तो आपका आगे बनेगा। तो इस साइड बन रहा है पॉजिटिव साइड बन रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड बन रहा है तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4/5 मीटर की दूरी पर बनेगा। और इसको चाहो, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.8 मीटर, इसको भाग करके 0.8 मीटर की भी दूरी पर बन सकता है। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, बनेगा इस तरीके से। तो यही बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। आप देख लो, अच्छे से देख लो कि इसका डायग्राम कैसे आप बनाओगे, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पर एक दर्पण ले लोगे जो उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी जितना दिया हुआ है, जितना 1 मीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे जिससे आपका मालूम हो जाए कि 1 मीटर है। और फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर फिर ये लगा देंगे। अब वस्तु जितनी दूरी पर थी, वस्तु को उतनी दूरी पर हम रख लेंगे और रखकर यहाँ से प्रकाश भेजेंगे और यहाँ से कहाँ से फोकस से गुजरेगा, यहाँ से पहला प्रकाश फोकस से गुजरता है और दूसरा प्रकाश जो आपका गुजरता है कर्वेचर से गुजरता है। और यहाँ पर गुजारेंगे जैसे प्रकाश, तो जहाँ पर दोनों प्रकाश जहाँ पर कट करेगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना है 4/5 मीटर का। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 आता है, यानी कि प्रश्नोत्तर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्नोत्तर 2 में यहाँ पर कह रहा है कि निकट, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। ऐसे क्वेश्चन हर एक साल आपके बोर्ड में रिपीट करते हैं, ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो कंसेप्ट के साथ समझिएगा, इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर 2 लिखेंगे। इसमें देखिए अधिक से अधिक 100 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। तो देखिए जहां तक देख सकता है उसको हम मानते हैं भी मानते हैं, ठीक है ना। जहां तक देख सकता है उसको भी मानते हैं और जहां तक देखना चाहता है उसको यू मानते हैं। देखिए यहां पर ये जो देख सकता है, यहां पर 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो इसको हम मानेंगे भी। तो यहां पर हम लिख देंगे भी बराबर 100 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। यहां पर देख सकता है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये होता है कि दोनों माइनस में होता है लेंस। यहां पर जो भी दृष्टि दोष से यहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें यू भी माइनस में लेते हैं और भी माइनस में लेते हैं। एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें यही होता है, इसमें यू भी माइनस में रहेगा और भी माइनस में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब देखिए जितना दूरी तक देख सकता है उसको हम भी मानते हैं, तो माइनस में भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जितना दूरी तक देखना चाहता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से ये पीड़ित है, यानी कि इसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। तो ये देखना कितना चाहता है भाई साहब, ये दूर का देखना चाहता है। तो दूर का देखना चाहेगा तो यू बराबर माइनस का इनफाइनाइट हम ले लेंगे। अब इतना हो गया। अब फोकस दूरी इसका पूछ रहा था कि निकालिए फोकस दूरी, निकाल कर इसका कह रहा था कि यहाँ पर फोकस दूरी निकाल कर बताइए कि कौन सा लेंस का प्रकृति होगा, यही बताना था। तो फोकस दूरी सबसे पहले निकालेंगे। अब फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला लगेंगे, 1/f = 1/v - 1/u होता है। 1/f इस तरीके से लिख देंगे, 1/ यहाँ पर भी का मान, यहाँ पर 1/-100 था, उसके बाद माइनस में 1/- का इनफाइनाइट, यहाँ पर ये माइनस का ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे यहाँ पर मतलब है ही नहीं। ये बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो इनफिनाइट होता है हमेशा जीरो हो जाता है नीचे, ठीक। ये बराबर 100 सेंटीमीटर वो भी माइनस का हो जाएगा, या फिर माइनस का 1 मीटर बोले तो। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया ना, इतना हो गया। तो अब आपको यहाँ पर बताना था कि लेंस का कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, लेंस का प्रकृति क्या है। तो लेंस की प्रकृति आपकी हो जाएगी अवतल, क्योंकि जो आपका फोकस दूरी आ रहा है वो माइनस में आ रहा है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब इसका यहाँ पर क्या कह रहा था कि देखिए किरण आरेख भी पूछ रहा था, तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर इतना छोड़ोगे तो केवल 2 ही नंबर मिलेगा। ये जो 2 नंबर ऐड किए गए हैं ये किरण आरेख के ही किए गए हैं, तो किरण आरेख अच्छे से बना लेना। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आँख बनाएंगे, और आँख बनाने के बाद सबसे पहले हम जहाँ तक वो देख रहा था अच्छे से 100 सेंटीमीटर तक देख रहा था, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पर ले जाकर इसको यहाँ पर रेटिना पर मिला देंगे अच्छे से। उसके बाद वो देखना कहाँ तक चाहता था, अनंत तक। तो उसके लिए हम संशोधित किए, अवतल लेंस का प्रयोग किए, तो अवतल लेंस का डायग्राम बनाएंगे और यहाँ से किरण भेज कर डायरेक्ट यहाँ पर रेटिना पर भेज देंगे। यहाँ पर आपका अच्छे से लिख देना, यह अवतल लेंस और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ये अनंत हो जाएगा, ये रेटिना हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, इसका संशोधित हो गया लेंस, यहाँ पर ये यहाँ पर का भी रेटिना पर इसका बन जा रहा है और अनंत का भी बन जा रहा है, तो संशोधित हो गया। इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब देखिए
यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर दीजिए, और यह भी बताइए कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल बोर्ड में छपने वाला प्रश्न है ओम का नियम, हर एक साल बोर्ड में छपता है। जितने भी प्रश्न है इतने इंपॉर्टेंट है कि देख कर छप कर आइएगा, देखिएगा यहाँ पर कि बोर्ड में छप कर आएगा यहाँ पर 29 फरवरी को, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न होता है तीन, यहाँ पर सबसे पहला कह रहा था कि ओम का नियम क्या है, तो लिखेंगे हम ओम का नियम, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि ओम के नियमानुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई या समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होता है, ओम का जो नियम था ओम ने बताया था कि भाई साहब जब भी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि लंबाई समान हो तो उसमें किसी चालक में प्रवाहित धारा जो होती है उसके विभवांतर V के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे विभवांतर समानुपाती धारा या फिर V प्रोपोर्शनल I, विभवांतर को V बोलते हैं और धारा को I बोलते हैं, और V इज इक्वल टू हम फॉर्मूला भी लिख देंगे, V इज इक्वल टू स्थिरांक I यानी कि कॉन्स्टेंट के इज इंटू आई, यहाँ पर इसको के भी बोलते हैं, के इंटू आई, ये अर्थात हो जाएगा V बराबर R जो होता है कांस्टेंट होता है तो R इंटू आई हो जाएगा, या फिर V बराबर आई आर जो होता है वो लिख देंगे। उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा था, देखिए यही चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कह रहा था कि संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर बताइए, दो नंबर का ये भी पूछ रहा था। तो देखिए इसका परिपथ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से परिपथ बनाएंगे जिसमें आपका प्रतिरोध भी होगा और वोल्ट मीटर भी होगा, यहाँ पर अमीटर भी लगा देंगे, कुंजी यानी कि प्लग भी लगा देंगे, नियंत्रक भी लगा देंगे और यहाँ पर बैटरी भी लगा देंगे, और यहाँ पर सबको लिख देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे, तो जानती हैं कि धारा और विभवांतर का जो ग्राफ होता है वो सीधा ही जाता है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो निश्चित बातों पर निर्भर करता है लिख देंगे, चालक की तार की लंबाई पर, जैसे पिछले बहुविकल्पी प्रश्न में ये आया भी था तो याद होगा, तो देखिए यहाँ पर तार की लंबाई पर लिख देंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है जैसे आर प्रोपोर्शनल एल। उसके दो नंबर में लिखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि उल्टा होता है, यानी कि ये 1/E करके लिखा जाता है इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल 1/A यानी कि एरिया। तो इस तरीके से ये दो और एक और होगा, यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो ये तीन हो गए अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर चार नंबर में कह रहा है कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि संक्षेप में कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, अथवा करके विधि है प्रतिवर्ती धारा जनित तथा कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो देखिए यही वाला हम बता रहे हैं, अथवा करके भी या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6 नंबर का, 6 नंबर का ये है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर चार और यहाँ पर लिखेंगे विद्युत मोटर में लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत इसका क्या है, अच्छे से पढ़िए, कह रहा है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कहता है कार्यविधि, कार्यविधि क्या लिखेंगे, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के से कुंडली के भुजाओं ये भी तथा सीढ़ी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, और ये बल जो है एक बलयुग में बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, कुंडली के साथ साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त बल भी घूमने लगते हैं। तो इस तरीके से कार्यविधि लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आइए, उसके बाद हम लिखेंगे विभक्त वलय का महत्व, इसमें लिखेंगे कि विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है, ठीक है ना, बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रूसों में संपर्क जुड़ जाता है जिसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है, और ये रहा इसका डायग्राम, अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम मैं अभी बताने वाला हूँ, जस्ट महामैराथन लेकर आऊँगा, साइंस का बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जितने
इतने बता दूंगा, डायग्राम केवल तैयार करके चले जाओगे उतना ही आएगा। तो अभी देख लीजिए इसका डायग्राम कैसे बनाना है। इस तरीके से ये आपका क्षेत्र चुंबक हो जाएगा, ये आपका आर्मेचर हो जाएगा, ये ब्रूस हो जाएगा और ये आपका बैटरी हो जाएगा। और ये जो गति कर है घूर्णन गति कर है, यहाँ पर दो चुंबक होते हैं एन और एस का, यहाँ पर नामांकित कर देंगे अच्छे से। देखिए यही आपका इसका डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला, यहाँ पर ये कर लीजिएगा और ये दोनों में से कोई एक, यहाँ पर अगला कर रहा है, यहाँ पर पांच नंबर देखिए कहाँ पर है भाई साहब, यहाँ पर पीछे पीछे, यहाँ पर अब आपका आ जाता है उपभाग दो। ये जो आपका आता है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से आता है। देखिए यहाँ पर पलटिए इसको भी यहाँ पर अच्छे से, ठीक। यहाँ पर उपभाग आता है प्रश्नोत्तर पांच, तो यहाँ पर उपभाग दो, यहाँ पर प्रश्नोत्तर पांच हेडिंग बना देंगे हम अच्छे से, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले देखिए प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। प्रश्न आपका कर रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की यहाँ पर रचनाएं चित्रित कीजिए। कितने नंबर का, दो दो एक दो तीन चार नंबर का। यहाँ पर सबसे पहला कह रहा है प्रोपेनल का, प्रोपेनल का आपको संरचना बनाना है। संरचना कैसे बनाना है देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर में लिखेंगे प्रोपेनल, और प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है C3H8O, क्या होता है C3H8O, और इसका यहाँ पर संरचना बना देंगे। सी तीन गो है तो तीन को लिख देंगे, और यहाँ पर सब जो होंगे एकल बंध से जुड़े होंगे, क्योंकि प्रोपे यहाँ पर आ रहा है, प्रोपेन यहाँ पर आ रहा है, प्रोपेन प्लस ऑल जुड़ा हुआ है तब प्रोपेनल बना हुआ है। यानी यानी सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और यहाँ पर इधर OH को भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। आपका प्रोपेनल का हो गया संरचना सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में छप कर ही आएगा, देख लेना। यहाँ पर दो नंबर में कर रहा है कि टू मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, टू मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, यहाँ पर लिखेंगे टू मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। और यहाँ पर देखिए इसमें जो होगा कैसे इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका यही होता है, यहाँ पर संरचना ये होता है, यहाँ पर CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर देखिए दो नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो दो यहाँ पर मेथिल यहाँ पर दो नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर दो लिखा गया था। यहाँ पर इस तरीके से इसकी संरचना बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर सी नंबर यानी कि तीन नंबर में कराए प्रोपीन का, प्रोपीन का यानी कि इन का, इसमें डबल बॉन्ड जुड़े होंगे जरूर, देखना। यहाँ पर C3H6 इसका होता है सूत्र, और यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड जुड़ा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक एक बॉन्ड यहाँ पर जोड़ देंगे H से, और यहाँ पर एक H जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर C जोड़ेंगे, और यहाँ पर C का तीन और बचा हुआ है तो तीन को और कोई इससे जोड़ देंगे, तो ये आपका प्रोपीन का हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है कि टू मेथिल ब्यूटेनॉल टू, यहाँ पर देखिए टू मेथिल ब्यूटेनॉल टू का ये होता है, सी कितने रहेंगे चार होंगे, क्योंकि मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट यहाँ पर दिया है तो ब्यूट दिया है तो चार हो जाएंगे, और यहाँ पर सबको एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे, और तीन यहाँ पर एच जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर एच थ्री जुड़ जाएगा, क्योंकि मेथिल यहाँ पर दिया हुआ है, मेथिल दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, तो मेथिल हम दूसरे नंबर पर जोड़ दिए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, दो नंबर पर मेथिल जोड़ दिए। फिर नॉल दिया है यानी कि ऑल दिया है, तो OH भी जोड़ना जरूरी है, दो नंबर पर यह भी दिया है, तो इसको यहाँ पर दो नंबर पर जोड़ दिए। फिर सिंगल बॉन्ड से सी के यहाँ पर एच जोड़ दिए, जितने भी इनके खाली जितने भी संयोजकता थे उनको सिंगल बॉन्ड के एच द्वारा जोड़ दिए, ठीक। चलिए आपका समाप्त हो गया ना। उसके बाद छः नंबर, ये प्रश्न अपने से कीजिएगा, ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कह रहा है कि MgNa तथा MgAl के तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः दो अथवा तीन है, इसमें परमाणु की त्रिज्या अधिकतम होगी, कौन सा कम अभिक्रिया होगा, कारण से उत्तर दीजिए। ये बोरिंग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में वैसे आएगा भी नहीं, ये मतलब फालतू के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, लेकिन इसको अपने से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। जो हो सकेगा तो मैं इसका प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, देख लीजिए प्रश्नोत्तर छः में इसका नहीं लिखा हूँ। यहाँ पर सात वाला डायरेक्ट आ जाइए, सात वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए एक पेज इधर जा रहा है, ठीक है ना, सात वाला देखिए यहाँ पर अच्छे से, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः नंबर का देखिए कह रहा है कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पर किससे क्रिया कराएंगे कि जिप्सम बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर वगैरह अच्छे से डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 होता है, तो CaSO4 लिख देंगे, और किस चीज़ से क्रिया कराएंगे कि वो आपका जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम का सबसे पहले हम लिख देंगे CaSO4 और 2H2O होता है, अब इसको हम लिख दिए, तो देखिए इसमें और इसमें क्या चीज की कमी है, CaSO4 इसमें भी है और CaSO4 इसमें भी है, और यहाँ पर H2O, यहाँ पर 2H2O है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल हाफ H2O है, लेकिन यहाँ पर देखिए H2O की कमी हो रही है ना, तो H2O की कमी हो रही है, तो इसी को यहाँ पर भर देंगे कि जब H2O से हम क्रिया कराएंगे तो ये हाफ H2O जो होगा 2H2O बन जाएगा, क्योंकि देखिए 1/2 है और यहाँ पर भी
H2O है, तो यहाँ पर दो, यहाँ पर एलसीएम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो, यहाँ पर H2O बन जाएगा, ठीक है ना, दो H2O बन जाएगा। इस कारण यहाँ पर हम क्या भरेंगे, टू H2O भर देंगे, यहाँ पर टू H2O, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर H2O भर देंगे, ठीक, सॉरी यहाँ पर टू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से भी हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाफ एच टू है ना, तो हाफ यहाँ पर है और यहाँ पर जो होगा 3/2 कर लीजिएगा, 3/2, तभी न जाकर ये 3 एक 4/2 होगा, और तभी जाकर 4/2 इज इक्वल टू 2H2 होगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3/2 कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए 3/2 होगा तब जाकर 3/2H2O और प्लस ½H2O, ½H2O और 3/2H2O तब बनेगा 2H2O बन जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर बी नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड क्या बनाएगा इसको बताना है। तो H2+Cl2 होता है इसका संकेत, अब इसको क्या करेंगे, ये जो H2+Cl2 हो जाएगा 2HCl बना देगा, अच्छे से इस तरीके से लिख दोगे आप। उसके बाद जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाएंगे उसको लिखना है। तो जिंक कार्बोनेट का जो होता है फॉर्मूला ZnCO3 होता है। उसके बाद जिंक क्या कर रहा था कि जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं लिखा गया, ZnO होगा, ठीक, ZnO होगा। तो ये जो आपका बनाएगा, ये जो बनाएगा क्या बनाएगा, ZN, यहाँ पर ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना, जिंक कार्बोनेट, और यहाँ पर कह रहा था जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड ना, तो देखिए यहाँ पर जो होगा ZN बनाएगा, ZN+CO, ZN+ यहाँ पर क्या बनाएगा, ZN+CO2, यहाँ पर ये जो हो जाएगा ZN, टू ZN+, ये ओ नहीं रहेगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर देखिए 2ZN बनाएगा प्लस, यहाँ पर 2ZN बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है ना, CO2 बनाएगा और प्लस O2 बनाएगा, ठीक, यही बनाएगा। चलिए अच्छे समझ में आना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डी नंबर, डी नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छे से सोल्यूशन देख जाना, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम प्लस डैश मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस यहाँ पर क्या भरेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाए, तो देखिए HCl भरेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड को इस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो डैश क्या बनाएगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड को H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है AgNO3, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड में यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट करेंगे और सोडियम आयोडाइड करेंगे तो Ag यानी कि सिल्वर आयोडाइड बनेगा और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक, अच्छे से। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब अथवा करके भी यहाँ पर ये दिया है, ऊपर वाला कीजिए या फिर ये वाला कर दीजिए, टिप्पणी दीजिए भी योजना अभिक्रिया पर संक्षारण पर और यशद लेपन पर, और जैसा मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारी चीज़ों को इसको बताया था कि यही पूछा ही पूछा जाता है, देखिए पूछा भी गया है, तो सारी चीज़ें जो बताता हूँ वही आता है। यहाँ पर हिंदी के पेपर में भी सारी चीज़ें टकरा गया था। यहाँ पर सेशन 3 आता है जिसमें आपके बायो से प्रश्न दिए जाते हैं, बायो से प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें कह रहे हैं कि मेंडल के नियम क्या है उचित चित्रों द्वारा समझाइए, मेंडल का नियम उचित चित्रों द्वारा समझाना है, 4 नंबर का, ठीक, 4 नंबर का पूछा गया है। तो आइए मेंडल का नियम हम उचित चित्रों द्वारा समझाते हैं कि कैसे मेंडल का नियम बताना है। देख लीजिए ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बताऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा आपको मेंडल का नियम कॉन्सेप्ट के साथ। या ये प्रश्न 100% है कि आपके बोर्ड में 100% है कि आता ही आता है, कितने नंबर में, 4 नंबर में, हर एक साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम भाग 3 लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर 8 है तो इसको लिख देंगे, और मेंडल का नियम बताना था तो यहाँ पर लिखेंगे मेंडल का प्रथम नियम, और मेंडल के प्रथम नियम जो था आपका प्रभाविता का नियम, जिसके जिसको नाम से जाना जाता है, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में केवल प्रभावी ही दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण ही मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले प्रभावी लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब कि विपरीत पौधे क्या होते हैं, जब शुद्ध लंबे पौधे यानी कि बिल्कुल लंबे हो, ठीक, और शुद्ध बौने पौधे यानी कि पूर्ण
रूप से बौने हो उनके बीच संकरण कराया जाता है तो केवल जो होंगे प्रभावी लक्षण ही वहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर डायग्राम के साथ समझिए, ये शुद्ध मतलब कि लंबा है जिसको टी टी कैपिटल टी से लिखेंगे और बौने को क्या लिखेंगे स्मॉल टी से लिखेंगे, तो स्मॉल टी हो गया। अब देखिए इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये जो होंगे आपके जो प्राप्त होंगे ये अशुद्ध, इसको हम क्या बोलते हैं अशुद्ध लंबे, क्योंकि इनमें जो प्रभावी लक्षण है ये टी जो होगा प्रभावी होगा और प्रभावी जो भी होता है जो भी मजबूत होता है वो क्या कहता है कि उससे जो कम शक्तिशाली होता है उसको मतलब कि दाब देता है, मतलब कि उसको उठने नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार ये दोनों साथ है लेकिन इसमें जो है टी जो है इससे मजबूत है, इससे अधिक सक्रिय है, तो ये जो है ये टी को नहीं दिखने देगा, यही केवल रहेगा, यानी कि ये जो है प्रभावी लक्षण ही आपको देखने को मिलेंगे। टी क्योंकि आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ वन पीढ़ी, उसके बाद लिखेंगे द्वितीय नियम, ये जो है आपका पृथककरण का नियम है। इसमें यहाँ पर कह रहा है कि जब एफ वन पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो एफ टू पीढ़ी में 3:1 के अनुपात के ही लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ वन पीढ़ी से जो प्राप्त हुआ था क्या हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था ना, यही प्राप्त हुआ था। तो इसका हम जब संकरण कराएंगे तो देखिए बहुत सारे लोग संकरण बहुत सारे इस तरीके से वैसे खींच कर बता रहे हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है और इस तरीके से एग्जामिनर भी खुश होकर आपको बोनस मार्क्स देंगे इसमें, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है आपका संकरण कराने का। देख लीजिए बहुत सारे लोग इस तरीके से ऐसे उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा और भद्दा सा भी लगता है, तो इस तरीके से संकरण कराया जाता है। देखिए अब इसको संकरण कराने के लिए 4 डब्बे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 बन गए। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। अब कैपिटल टी में कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ पर इससे इसे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और यहाँ पर टी टी, यानी कि दोनों टी टी माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए इसका फिनोटाइप हो जाएगा, फिनोटाइप यानी कि बाहर से देखेंगे तो ये जो है ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो ये हो जाएगा 3 को लंबा है तो 3 हो जाएगा और एक ये बौना है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक लेकिन फिनोटाइप यानी कि इनका जीन, उसके बाद इसका जीन प्रारूप देखोगे यानी कि जीनोटाइप देखोगे तो इसमें जो है ये लंबा है यानी कि शुद्ध लंबा है तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं यानी कि अशुद्ध लंबे हैं तो ये 2 हैं तो 2 हो जाएगा और ये अशुद्ध मतलब कि ये शुद्ध बौना है तो ये 1 हो जाएगा। तो जीनोटाइप ये इस तरीके से 1:2:1 के अनुपात में हो जाएगा। उसके बाद तृतीय नियम इनका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें लक्षण जो होते हैं 9:3:1 के अनुपात को देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो जोड़ी ध्यान दीजिएगा, 2 जोड़ी यहाँ पर कह रहा है, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले। जैसे यहाँ पर सबसे पहला में हम लेंगे किसका, सबसे पहला लेंगे गोल, यहाँ पर पीला और गोल, और यहाँ पर पीला और गोल का कराएंगे, और यहाँ पर हरा और यहाँ पर किसका कराएंगे, यहाँ पर हरा और कराएंगे झुर्रीदार का। ठीक है ना, पीला व गोल, देखिए पीला और गोल और हरा और झुर्रीदार का संकरण कराएंगे तो इसमें से देखिए एक वाई निकल जाएगा और एक आर निकल जाएगा, फिर इसमें से भी एक यहाँ पर कौन सा, ये जो है यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर कैपिटल में लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो होगा स्मॉल में होगा। ठीक है ना, स्मॉल में कर लीजिएगा, स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक अब चलिए यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई, ये कैपिटल इसका और इसका आप जब संकरण करेंगे तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक अभी आपका एफ वन पीढ़ी हो जाएगा और ये P1 पीढ़ी हो जाएगा, ये जो आपका प्राप्त होगा गोल और पीला प्राप्त होगा, और इसका जब संकरण कराएंगे पहले वाले के हिसाब से तो ये देखिए वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका संकरण करेंगे तो आर वाई हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, अब ये हो जाएगा तो इसका हम क्या करेंगे, 4 प्राप्त हुआ ना, इस 4 को इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से यहां पर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, जो चीज यहाँ पर यही थोड़ा सा आपको और टॉपिक लगता है समझ नहीं आता तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जस्ट प्रोवाइड भी कर दूंगा अच्छे से कहोगे तो। देखिए इसी चीज को ये जो चारों प्राप्त हुए हैं इसी को यहाँ पर लिखा गया, तो इस तरीके से लिख देंगे और इसी ऊपर वाले को फिर यहाँ पर नीचे भी दोहरा देंगे, यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर लिखी गई है फिर नीचे दोहरा देंगे। अब देखिए इसका संकरण करेंगे तो कैपिटल आर 2 हो जाएगा और कैपिटल वाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर 2 हो
हो जाएगा और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आई दो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप जितने भी हैं सबका संकलन करा लेना इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये जो है इसका और फिर इसका करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सबका कर लेना। उसके बाद अब देखना कि इसमें कौन कौन से, यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है गोल और पीला है, यानी कि कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। तो गोल और पीला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से ये भी हो जाएगा, फिर से ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभावी है। एक भी रहेगा ना तो वो गोल और पीला के अंतर्गत आएगा। तो देखिए ये भी गोल और पीला हो जाएगा। तो समझिए, एक ये गोल और पीला, एक ये दो, एक तीन और एक चार और एक पाँच और एक छः और यहाँ पर एक सात और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सात और यहाँ पर भी है एक आठ और यहाँ पर देखिए आठ को ये हो गया और यहाँ पर भी एक नौ, नौ हो गए ना। तो नौ यहाँ पर गोल और पीला कितने हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे। उसके बाद हरा व गोल कितने हैं, यहाँ पर देखिए हरा हरा के लिए क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, ठीक है ना, स्मॉल वाई होगा हरा व गोल के लिए। तो हरा व गोल स्मॉल वाई और कैपिटल आर जहाँ पर हो, हाँ तो देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल आर है तो यही हरा व गोल है, तो एक ये हो गया। और यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई और कैपिटल यहाँ पर आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कहाँ पर है, ये एक ये दो और एक ये तीन, यहाँ पर ये नहीं, ये तो पहले से ठीक है, यहाँ पर एक इधर है, एक इधर है, तीन हो गया, एक दो और यहाँ पर तीन, तो तीन इसका भी आ गया। और पीला और झूरीदार, पीला और झूरीदार के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल आर होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो और एक यहाँ पर है, तीन, ये भी हो गया। उसके बाद एक ये लास्ट में बचा इसका है हरा और झूरीदार, यानी कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर है तो हरा और झूरीदार के लिए एक ही बचा है। तो ये आपका समलक्षणीय अनुपात ये 9:3:3:1 जैसा मैंने पहले बताया, ये आ गया ना अच्छे तरीके से, इसी तरीके से समझना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है अगला प्रश्न कि पुष्प में निषेचन की क्रिया प्रदर्शित करते हेतु इसकी स्त्री केसर के लंब काट का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए, 2+2=4 नंबर का, ठीक। तो आइए इसको मतलब कि वर्णन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेगा प्रश्न उत्तर 9 और इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये जो है पुष्प के निषेचन का डायग्राम है और इसका मतलब कि आपको चित्र के सहित वर्णन भी करना है, तो आगे वर्णन भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे और ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका पराकण है और यहाँ पर नलिका के थ्रू यहाँ पर आकर किसे अंड कोशिका से मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर नाम भी दे देंगे, ये अंड कोशिका है, ये बीजांड है, ये अंडाशय, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये अंकुरित परागण है और ये नर उगमक यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद निषेचन में लिख देंगे, नर तथा मादा केंद्रों के संलयन को निषेचन कहते हैं। उसके बाद पुष्प में निषेचन की क्रिया लिखेंगे, वर्तिकाग्र के समय तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, इस पदार्थ में अवशोषित करके परागण फूल हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जनन छिद्रों के परागण नलिका के बाहर आती है, नलिका बीजाणु में प्रवेश कर नर युग्मक को मुक्त कर देती है, एक नर युग्मक अंडकोशिका को संलयित होकर द्विगुणित युग्मज यानी कि जयगोट का निर्माण करता है, इसके बाद द्विगुणित युग्मज वृद्धि करके विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये पुष्प में निषेचन की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्या कर रहा है, ये 9 नंबर तक हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 10 नंबर कर रहा है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 नंबर का। यहाँ पर 4 नंबर के ये प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर इसको लगता है इस बाद में किया गया, इसको बाद में हमने किए, इस पेज के बाद किए हैं, इसके बाद में किए हैं, तो चलिए इसको थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर विकराणु का संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है 3+3 यानी कि 6 नंबर का। तो ये मानव पाचन तंत्र का भी डायग्राम हमने अच्छे से बनाया, तो जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और विकराणु का भी बनाया तो अच्छे से देख लीजिए। विकराणु का भी हम सोल्यूशन किए हैं, वृकाणु जिसको बोलते हैं यानी कि नेफ्रॉन, जो कि अब लगभग 2,01,000 आपकी किडनी में 2,00,000 नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनी में 4,00,000 नेफ्रॉन होते हैं। तो आइए इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं और इसकी कार्यविधि का भी वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर 1 और उसके बाद हम लिखेंगे नेफ्रॉन का चित्र, और इसमें नेफ्रॉन का फॉर्मूला मतलब कि चित्र ऐसे ही बनता है, अच्छे से बता दिया हूँ, एक वीडियो जस्ट प्रोवाइड करूंगा, सारे जो डायग्राम जो बायोलॉजी के जितने भी आपके डायग्राम है उस सबको अच्छे से बता दूंगा, जो बताऊंगा उसको तैयार कर लेना, वही बोर्ड में पूछे जाएंगे। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे ये जो नेफ्रॉन का, इस तरीके से फिर ले जाएंगे, फिर इस तरीके से ले जाएंगे, फिर इस तरीके से बना देंगे। तो ये जो आपका गुच्छेदार संरचना है ये ग्लोमेरुलस हो जाएगी, ये वुमन संपुट हो जाएगा कटोरे की तरह जो है, उसके बाद ये जो घुमा हुआ है इसको कुंडलित नलिका बोलते हैं, और ये जो है आपका ये जो नीचे का मुड़ा हुआ पोर्शन है इसको हम हेनले का चाप बोलते हैं, और ये आपका संग्राहक नलिका है, ये मूत्राशय तक चली जाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यविधि लिखेंगे, रुधिर को वृक्क धमनि द्वारा वुमन संपुट के कोशिका गुच्छ में लाया जाता है, यानी कि यहाँ पर लाया जाता है, जहाँ से उसे छाना जाता है यहीं से छाना जाता है, और प्रारंभिक निषेचन में ग्लूकोज अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा जल में रहता है, ठीक है ना,
जल में रहता है। प्रक्रिया अनुसार जैसे जैसे निस्यंद हेलने रूप से कुंडलित नलिका से गुजरता है, उपयोगी पदार्थों को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा यूरिया पानी तथा दूसरे पदार्थ को मूत्राशय तक स्रावित कर दिया जाता है। यहाँ से जितने भी दूषित पदार्थ हैं यहाँ से आ जाते हैं मूत्राशय तक। तो इस तरीके से इसकी कार्यविधि लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर यहाँ पर 10 आपसे कह रहा था, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 10 वन संरक्षण क्यों आवश्यक, तो मैंने बताया कि लास्ट में बता देंगे, तो इसको कर लीजिए। 4 नंबर का ये भी पूछा गया था, यहाँ पर लिखेंगे वन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही उपयोगी है, बिना इसके मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसके द्वारा हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होती है, वन वर्षा संचालन में बहुत सहायक होते हैं, वन वातावरण और तापमान नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कारण वन संरक्षण आवश्यक है। और वनों के महत्व में लिखेंगे जलवायु नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण में सहायक, जड़ी बूटियों का भंडार, वन प्राणियों का आश्रय स्थान। ठीक, तो अच्छे तरीके से ये पूरा हमने सोल्यूशन बता दिया। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और बहुत ज्यादा मेहनत से ये महामैराथन वीडियो बनाया हूँ, तो अच्छे से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बोलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।